ധീരനായ അച്ഛന്റെ വീരപുത്രി ബ്രിഗേഡിയർ എൽഎസ് ലീഡറുടെ മകൾ ആഷ്നയുടെ പ്രതികരണം അത്രമേൽ പാകമാണ്. അച്ഛൻ സുഹൃത്തും ഹീറോയുമായിരുന്നു, അച്ഛനായിരുന്നു പ്രചോദനം. അച്ഛനെയോർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും കരയില്ലെന്നും മകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചു. ആ വാക്കുകളോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर लीडर की बेटी, उनसे बातचीत करते हैं. आपके पापा देश के लिए चले गए, हाँ जी, कैसे उनको याद करेंगे? आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे, एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ. तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं. और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें. आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? मुझे उठा के गए थे वो स्कूल के लिए. उन्होंने कहा था उठ जाओ, तो मैंने कहा 10 मिनट और सो जाऊँ, बहुत लेट सोई थी मैं. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ. मैंने कहा चलो बाय. आपको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है, है ना? विपिन रावत की पत्नी ने आपकी किताब का विमोचन किया था जी, तो उस पर भी हेल्प करते थे आपको? हाँ जी, मेरी बुक थी, मेरे डैड ने लॉन्च करवाई थी. मधुलिका आंटी भी आई थी, रावत अंकल ने फॉरवर्ड लिखा था, एंड दे वर अ टीम एंड दे डाइड एज अ टीम. एंड माय फादर इज विद अस इन स्पिरिट, हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और इसीलिए आंसू नहीं आते क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, और वो हमारा रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहेंगे. तो जहाँ भी हैं होपफुली खुश हैं, और हमें देख के खुश होंगे. बातचीत करने के लिए शुक्रिया. तो ये आप लीडर की बेटी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी आंख में आंसू नहीं है क्योंकि एक फौजी की बेटी है, और उनको पता होता है कि जब एक फौजी वर्दी पहन लेता है तो देश की सेवा ही सबसे ज़रूरी होती है. कैमरा पर्सन दिनेश के साथ जसप्रीत कौर, दिल्ली कैंट.